मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। रतलाम से इंदौर जा रही डेमू ट्रेन में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। रतलाम अंबेडकर नगर डेमू ट्रेन में चलते समय आग लगी। ट्रेन इसी हालत में करीब 10 किलोमीटर चलती रही, फिर आगे जाकर रुकी। आग ड्राइविंग मोटर कोच में लगी थी। लपटों में बगल की बोगी को भी जलाकर कबाड़ कर दिया। समय रहते यात्री ट्रेन से उतर गए, सभी सुरक्षित है। उज्जैन में दो कारों का तेज रफ्तार में टकराने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक कार दूसरी को टक्कर मारने के बाद दुकान में घुस गई, वहीं एक कार पार्क की रेलिंग में जाकर घुस गई। दोनों कार ड्राइवर रेस लगा रहे थे। घटना के बाद दोनों गाड़ियों के ड्राइवर भाग गए। भोपाल क्राइम ब्रांच ने IPL मैच में सट्टा लगाने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मिसरौद इलाके में एक फ्लैट में कुछ लोग सट्टा खिलवा रहे हैं। क्राइम ब्रांच टीम अधिकारियों को सूचना देकर रवाना हुई, जहां पर बताए गए पते पर 8 लोग सट्टा लगवाते मिले। जब उनसे सट्टा खिलवाने का वैध लाइसेंस मांगा गया तो वो नहीं दिखा पाए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 27 मोबाइल, 1 TV, लैपटॉप व 34,250 नगद जब्त किया है। छिंदवाड़ा में अनुसूचित जाति समरसता मंच के तत्वावधान में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती समारोह में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमलनाथ ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने देश का संविधान बनाते समय ऐसे व्यक्ति को यह जवाबदारी देना पसंद किया जो देश के दलित वर्ग को समझता था और किस देश को विभिन्नताओं की जानकारी रखता था। बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के कारण ही आज हमारा देश इतनी विभिन्नताओं के बाद भी एकजुट बना रहा है। इंदौर में पेट्रोल पंप पर डीजल डलवाने के दौरान बस के टैंक में अचानक आग लग गई, जिससे वहां खड़ा बस ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया। आग लगते ही वह पेट्रोल पंप से दूर भागा। कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए फौरन यात्रियों को बस से उतरने के लिए आवाज लगाई। वह बस को जलती हालत में पेट्रोल पंप से करीब 200 मीटर दूर तक ले गया। इस दौरान कंडक्टर भी झुलस गया। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मधुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।